भगवान का स्वागत कर रहे हैं। अब देवता क्या कह रहे हैं कि सत्यम गतम सत्य परम सत्यम सत्य शियोनिम निहते च सत्य सत्यस्य सत्नत्य सत्यनेत्रम सत्याभुतं त्वां शरणं प्रपन्नः। देवता कह रहे सत्य सत्य कह कर भगवान को पुकार रहे, भगवान तुम आओ आकर के हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन देवता कह रहे भगवान तुम तो अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हो, हमसे वचन कह रहे हो कि आऊंगा, लेकिन बताए जब भक्त के पाले पड़ जाते हो महाराज तो अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हो। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु का नियम बदलते देखा, तुम तुम्हारे प्रतिज्ञा को भूल जाते हो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरे को याद है मैं पृथ्वी के ऊपर से बाहर उतारूंगा, पापों का निशाचरों का वध करूंगा, चिंता मत करो। अब तो धीरे धीरे महाराज भादों का महीना आया और जैसे भादों का महीना आया अष्टमी तिथि महाराज रोहिणी नक्षत्र आज भगवान ने कहा, राम ने कहा था चिंता मत करो चंद्रमा, अब की बार चंद्र वंश में आऊंगा ठीक रात्रि के 12 बजे के भादो कृष्णाष्टमी अर्ध रात्रि हनुमान रोहिणी नक्षत्र से व्योगयति प्रकट हुए भगवान। अब तो भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात्रि के ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में वो भगवान देवी के जेल खाने में महाराज प्रकट हो जाते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अब भगवान कैसे रूप में आए पता है, आज भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के आए। ससंग चक्रम सकरी कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु सिरसा चतुर्भुजम। चार भुजा धारण करके आए। मैया देवकी ने कहा अरे बेटा तुम पुत्र बन करके आए हो कि पिताजी बन करके आए हो। कन्हैया ने कहा मैया क्या कहती हो, तो ऐसा कोई बेटा होता है इसके चार भुजा लंबा चौड़ा, लोग क्या कहेंगे भैया देवी जी के गर्व से ऐसा कैसे बालक जन्म लिया। कन्हैया ने कहा मैया तुम जानती नहीं है तो हमारा मामा कंस तुष्ट है और हमारे जितने भैया जन्म लेकर के आते हैं सबको मारने लग जाता, इसलिए मैं आज चार भुजा धारण करके आया हूँ। लेकिन मैया तुम चिंता मत करो। लेकिन मैया देवी ने कहा बेटा ऐसे नहीं, चार भुजा है दो भुजाओं को हटा दो और छोटे हो जाओ नंगे हो जाओ रोने लग जाओ। जब कन्हैया से कहा तो कन्हैया ने कहा मैया तुम परेशान ज्यादा करती हो, कभी कहती है दो भुजा हटाओ, कभी कहती है छोटे हो जाओ, कभी कहती रोने लग जाओ। हम तो जैसे ही कहा भगवान कृष्ण ने योग माया से कहा अरे योग माया जाओ मथुरा नगरी में ऐसे फैल जाओ इतनी गहरी निद्रा सबको दे दो, जितने भी सैनिक हैं राजा कंस है और सब गहरी निद्रा में सो जाए भाड़ा। अब तो जैसी योग माया आई वो आकर के सबको शैल अवस्था में कर दिया, सब लोग सन्नाटे से सो रहे महाराज। लेकिन भगवान ने वसुदेव से कहा पिताजी बोले क्या बात है कि अब तुम मेरे को यहाँ से उठा करके और सीधे गोकुल में लेके चलो। वसुदेव ने कहा बेटा ये तुम देख नहीं रहे मेरे हाथ हथकड़ी पायल बेड़ी, मैं फिर आपको कैसे ले आ सकता हूँ। भगवान ने कहा पिताजी चिंता मत करो, जब जीव मेरा सहारा लेता है तो माया के बंधन अपने आप खुल जाते हैं, चिंता मत करो। अब तो जैसे कहा वसुदेव ने जैसे हाथ बढ़ाने के लिए हुए तो माया के बंधन अपने आप खुल गए। अब तो कन्हैया को अपने सिर पर बिठा करके लेकर के जा रहे हैं, जैसे लेकर के जा रहे हैं तो क्या हुआ मेघा नाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा दुर्घटा
मंडो कश्य बको 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 बाहो बको